हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन ब्लूम में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम जिस फ्लावर्स की बात करेंगे उसका नाम है क्रोशेंडा फ्लावर। इसको फायर क्रैकर्स फ्लावर या पताका का फूल भी कहा जाता है। ये एशियाई और दक्षिणी अफ्रीकी देशों में पाया जाता है, इंडिया में भी ये होता है। और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो थोड़ी चौड़ी होती है पत्तियाँ इसकी। और फ्लावर्स ऐसे जो बंचेस में आते हैं और ये काफ़ी प्यारे दिखाई देते हैं। ये कई कलर्स के होते हैं जिसमें येलो कलर्स भी पाया जाता है। और इसके जो आप देख सकते हैं ये धान की तरह इनकी जो बीज निकलते हैं, बर्ड्स होते हैं वो धान की तरह होते हैं और बाद में इसमें फूल खिलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर कवर करने वाला फ्लावर्स होता है, इसलिए ये गर्मियों में बहुत ही अच्छे से खिलता है इसको। और इसकी जो मिट्टी आपकी होनी चाहिए वो थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, इसमें कंपोस्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये इसके जो अधिक से अधिक ब्रांचेज आएँ और ग्रो करें। ये एक श्रब्स होता है और लगभग 4 फुट तक भी जा सकता है। अगर हम इसको बड़े कंटेनर में लगाएं तो इसकी हाइट और अच्छी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं ये एक इंडोर प्लांट्स के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग ऑर्नामेंट्स के रूप में भी किया जाता है, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी किया जाता है। और काफ़ी ये प्यारा लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके कितने सारे ब्रांचेस आए हैं। और इस तरह के बहुत ही प्यारे जो बंचेस में फ्लावर्स आते हैं वो फ्लावर्स बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और इसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा आवश्यकता होती है, समय समय पर हम इसको वाटरिंग करना पड़ता है और साथ में इसको कंपोस्टिंग करना पड़ता है। तो ये बहुत ही प्यारा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इंडोर प्लांट्स के रूप में। बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे ऐसा आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा तो इस वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।